लोग आए हुए हैं और उसके प्रति जो रुझान मुझे देखने को मिला वो मैं कह सकता हूं कि खादी अपने आप में आजादी का एक ब्रांड था ही, अब आत्मनिर्भर भारत का भी और इसलिए आज मुझे आपके इस कार्यक्रम में आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस स्वदेशी से जुड़े उस अभियान के साथ जिसने देश की आजादी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके 15 अगस्त 1947 को इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक मंच दिया था, वह खादी ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक नए ब्रांड के रूप में काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था, मुझे चरखे के साथ यहां पर कुछ देर अपने हाथ को भी अजमाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देख रहा था सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार है हमारी माताएं बहने, अगर उनको कार्य के घर गृहस्थी के सामान्य कामकाज के बाद अगर वे कुछ भी गांव में कुछ कारोबार अपना शुरू करके कुछ पैसा कमा लेती है तो वह परिवार अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में उससे मदद मिलेगी। और उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, विभाग ने विगत 3-4 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बहुत कुछ नया किया। वैसे पहले मैनुअल चरखे हुआ करते थे, उसको सौरभ चरखे के साथ जोड़ दिया, अभी मैं देख रहा था सौरभ चरखे, मैंने पूछा भाई सौरभ चरखे से कितना आप एक दिन की कमाई कर सकते हैं, उसने कहा कि 300 से लेकर 700-800 रुपये। हथकरघा में देख रहा था कितने तक कमाई कर सकते हैं दिन में, कह रहा था 600 से लेकर 1000 रुपये तक प्रतिदिन कमाई कर सकता है। यानी ये अपने सामान्य कामकाज को करने के साथ थोड़ी सी तकनीक के साथ अगर हम उसको जोड़ देते हैं वह व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है और साथ साथ उसकी इनकम को भी बढ़ा देता है और यह हमें समय के रूप उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बड़े डिमांड है उनकी और उस डिमांड के रूप उन्हें तकनीक उपलब्ध कराना, टोल गेट्स के माध्यम से उन्हें उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी अभियान चल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की थी तो उस समय लोग मानते थे कि इससे क्या होगा। आज मैं देख रहा था भारत सरकार की देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घटकर के मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती है कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, खादी के उत्पाद को एक ब्रांड बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य हो, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उत्पाद हो, ये लगातार उसमें नई प्रगति आती हुई दिखाई दे रही है। माटी कला बोर्ड में अभी मुझे यहां मंच पर जो विभाग ने टाई बनाकर के मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा को कितनी दिव्य प्रतिमा बनाई है, मैं परसों माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण हैं उनके एक सामाजिक सम्मेलन में मैं गया, कितनी शानदार मूर्ति गणेश लक्ष्मी जी की, कितनी शानदार मूर्ति, अगर वे मूर्ति मार्केट में आए
सजावट, क्या दर्शनीय थे। तकनीक के साथ जोड़ करके शासन का थोड़ा सा संबल मिल जाए तो हमारा यह ब्रांड मार्केट में छा जाए। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया हो दिया था आत्मनिर्भर भारत का, कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वोकल फॉर ग्लोबल। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया और मैं देख रहा था मैं खादी के वस्त्रों को। अब देखना आने वाला समय खादी का है। आजादी 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और आप देखना खादी के प्रति लोगों का रुझान किस कदर बढ़ा है। मैंने पिछले 3 दिनों के अंदर इस प्रदर्शनी में आती हुई भीड़ का अवलोकन किया है। मैं प्रतिदिन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगता हूं कहां पे क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, जनता के मन में कहां पर क्या बात हो रही है। और मुझे जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला है इस एक पक्ष की यानी 15 दिन की इस प्रदर्शनी के लिए कि लोगों के मन में रुझान कि वहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, एक प्रदर्शनी लगी हुई है,